जला पड़ा विद्युत ट्रांसफार्मर। जी हाँ, आपको बता दें, पनवाड़ी महोबा विकास खंड के ग्राम कुनाता में बिजली की डीपी 20 दिन से खराब है। इसके जल जाने से अति पिछड़े गांव में विद्युत प्रवाह रुकने से मरीजों व विद्यार्थियों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। किसान की फसलें भी पानी के अभाव में सूखने की कगार पर हैं। वहीं जिन फसलों की बुवाई होनी है उनके पलेवा किसानों ने जिला प्रशासन व विद्युत विभाग के अधिकारियों से काफी गुहार लगाई है, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका। विद्युत विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 15,000 की मांग कर रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम है? अनान साहू, ग्राम कुनाटा, थाना मकुंडीला। क्या समस्या है? ये समस्या है कि कम से कम 20 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है। हर आदमी परेशान है और पानी के लिए भी परेशानी है। और पूरा गांव, 300 बकरी है यहाँ गांव में, 300 घर हैं, तो पूरे परेशान हैं, अंधेरे में पड़े हुए 20 दिन से। कोई भी अधिकारी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और किसी को भी कहते हैं तो कोई कहता आ जाएगा, हो जाएगा, बस इसी से चल रहा है। हमें 22 दिन हो गए आज, यही समस्या है और कोई नहीं सुन रहा। हमारे गाँव पूरा अंधेरे में पड़ा हुआ है। अंकल जी, आपका क्या नाम है? सतपाल। कहाँ के रहने वाले हो? कुनाटा ग्राम। क्या समस्या है? बस ये लाइट की समस्या है, ट्रांसफार्मर फूका पड़ा है। कम से कम 20 दिन हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। पूरा गांव अंधेरे में? पूरा गांव अंधेरे में पड़ा है और पानी की बहुत समस्या है। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों की है साहब? कोई सुन नहीं रहा। अंकल जी, क्या समस्या है आपको? परेशानी है, लाइट नहीं है गाँव में। कितने दिन से नहीं आ रही? क्या क्या नाम है आपका? इंदल राजपूत। कहाँ के रहने वाले? कुनाटा के।